कोरोना काल में राहत देने वाली खबर। संभल में 90 वर्षीय एक बुजुर्ग डॉक्टर ने कोरोना को हराया। संभल हो ये देश, चारों तरफ कोरोना संक्रमण को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। आम जनता के दिल में भय का माहौल बनता जा रहा है, लेकिन लगातार कोरोना आंकड़े भी आसमान को छूते नजर आ रहे हैं। पर जनपद संभल की आज हम एक ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं जिसको देखकर आपके दिल में कोरोना का डर कम हो जाएगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जनपद संभल के प्रथम MBBS MD एवं गणेश बेलाचा दोषी के संस्थापक 90 वर्षीय डॉक्टर गिरिराज किशोर की। डॉक्टर गिरिराज किशोर जनता का उपचार के दौरान कोरोना संक्रमण के शिकार हो गए थे, जिसके बाद गिरिराज किशोर को दिल्ली में भर्ती करवाया गया था। पर 90 साल की आयु में भी आज कोरोना को मात देकर अपने घर स्वस्थ होकर आ गए हैं, जिसके बाद से पूरे चंदौसी शहर में व जनपद में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। मैं डॉक्टर गिरिराज जो प्रैक्टिस कर रहा हूँ चंदौसी में, यहाँ बुखार का जूस हुआ तो शुरुआत के मुझे हो सकता कोरोना हो। मैंने सारी प्रिकॉशन ली, ग्लव पहने, मास्क पहना, कपड़े पहने, लेकिन मरीजों को देखा आधा छूटता रहा तो उससे मुझे संक्रमण हो गया। और मुझे जब होश आया, जब मुझे बुखार हो गया और 3 दिन तक नहीं उतरा, तो मैंने टेस्ट कराया। टेस्ट कराने में पता चला कि मुझे जो है कोरोना हो। खैर, घर वाले सब रोने धोने लगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, चलो बेटा दिल्ली गए। दिल्ली वहाँ का कोरोना का अस्पताल है, मैं वहाँ पर एडमिट हुए जाके। बड़ा अच्छा इंतजाम है वहाँ पर। मैं उसके बारे में टेस्टिंग हुआ, पता चला कि मैं है। इलाज चालू हो गया, दिन भर रात भर होटलें चढ़ती रही, दवाइयाँ मिलती रही, तबीयत मेरी ठीक होती रही। हालांकि जाते ही मैं बेहोश हो गया था और मेरा जो पार्टनर था वहाँ पे वो चिल्लाने लगा। लेकिन फिर जो है 2 मिनट बाद मुझे होश आ गया। घर वाले थे नहीं उस वक्त, कोई रहने नहीं दिया जाता। फिर धीरे धीरे मैं ठीक हो गया उनकी कोशिश से, और अब आपके सामने मैं मौजूद हूँ सेवा करने को। जब भी मुझे मौका लगेगा मैं फिर सेवा करूँगा। अब मैं नेगेटिव हो गया हूँ, उसमें उन्होंने 7 दिन रखा। और पैसे की तो कोई बात नहीं, काफ़ी पैसा मैं खर्च होते ही है, लेकिन अब मैं नेगेटिव हो गया। मेरा संदेश पब्लिक को यही है कि भाई एक दूसरे के पास ज़्यादा मत रहो, अपना टेस्टिंग जरूर कराते रहो। जरा भी बुखार आए फौरन डॉक्टर को कंसल्ट करो और टेस्टिंग कराते रहो, अलग हो ज़्यादातर। और अगर जैसा भी जरा सुबह हो तो फौरन डॉक्टरों की मदद लो और अस्पताल में जा सको। अनिल जी, जिस तरीके से डॉक्टर गिरिराज किशोर जी कोरोना पॉजिटिव हुए हैं, जबकि उनकी उम्र 90 वर्ष से ऊपर है और वो सही होकर अपने घर आ गए हैं, क्या कहना चाहते हैं? ये तो देखिए, सब सारी चंदौसी जनता उनकी सारी सब लोगों की दुआओं के साथ डॉक्टर साहब सब सल स्वस्थ होकर लौटे हैं। सब यहाँ के भक्तों की और उनके जो अनुयायी हैं उन सब की कृपा के अनुसार और उनके आशीर्वाद के साथ ही आप लौटे हैं, स्वस्थ हैं। वो एक डॉक्टर भी हैं और एक विशेष कलाकार भी हैं। जो आज मैं यहाँ खड़ा हूँ, आप देख रहे हैं मेरे पीछे मूर्ति गणेश जी की, उन्हीं के द्वारा बनाई हुई है। आप सामने भी देख रहे हैं इतनी विशेष बड़ी प्रतिमा 185 फीट की है, सारी उन्हीं की है। हमारी मेला गणेश चौथ के संस्थापक हैं, जो चंदौसी के लिए एक विशेष महत्व रखते हैं। जनता का विशेष सहयोग उनके साथ रहता है। सारी लोगों ने पॉजिटिव होने के बाद लोगों ने प्रार्थना की भगवान से और वो साक्षर स्वस्थ लौट कर आए हैं। हम भगवान गणेश जी से प्रार्थना करते हैं कि उनको दीर्घायु प्रदान करें, अच्छे स्वस्थ रहें। डॉक्टर साहब एक विशेष व्यक्ति हैं और गणेश जी की विशेष कृपा है उनके ऊपर, क्योंकि सारा जीवन उनकी गणेश जी की सेवा में ही निकला है। सुबह 4 बजे आना और भगवान की सेवा करना, साथ में रहना, हर समय उनकी ही सेवा में लीन रहते हैं। इसलिए विशेष कृपा गणेश जी की उनके ऊपर है और स्वस्थ होकर लौटे हैं। ये प्रभु की ही कृपा है, इतनी उम्र में इस सब की बीमारी से
स्वस्थ होकर लौटना एक भगवान की विशेष ही कृपा है।